अभी कुछ विपक्षी पार्टी है जो चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी बेच रहे हैं, मोदी जी बेच रहे हैं, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई साहब अगर वो बेच रहे हैं तो आप खरीद क्या रहे हो, मुझे बताओ। कह रहे मोदी जी जिस ट्रेन में आप बैठे थे तो बेच रहे हैं। बोला किसकी औकात है कि ट्रेन का एक टायर खरीदे, साला बटन चुराओ तो जमानत भी नहीं होती, यहाँ पे लोग बेच रहे। अरे बेच नहीं रहे यार, प्राइवेट कर रहे हैं। पहले 1 लाख एक आदमी लेता था, 25-25 में 4 आएंगे। पहले राजा का बेटा राजा होता था, प्रजा को भी राजा बनने का मौका मिला। अग्निवीर का विरोध मत करो, ये जो ट्रेन चला रहे हो, इंजन फूक रहे हो ना, सरकार का क्या, 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा के अपने से ही वसूल लेगी यार, अपने अंदर ही जाना था वो, सरकार छापती नहीं है पैसा। अरे 4 साल वहाँ लड़के आओगे, फिर यहाँ कोई भी नौकरी करोगे तो आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी रहेगी भाई, राष्ट्रीयता रहेगी आपके अंदर, भ्रष्टाचार नहीं होने दोगे। कल को किसी देश से वॉर हो गया तो हर घर से एक जन निकलोगे तो सही, हमारा आर्मी हर हमेशा युवा रहेगा, घर में रहेगा। लेकिन सोच बदलते ही नहीं, बोलते देश बदल नहीं रहा है। साला कोई भी स्टेशन पे जाओ, अक्षय कुमार जैसे ऐसे एक्सीलेटर पे खड़े हो जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, फिर भी विकास नहीं दिखता है। साला लिफ्ट में 1 नंबर पे घुसे, 2 नंबर पे छोड़ दिया, इनको विकास नहीं दिखता। हर घर में 2 आईफोन है, लेकिन देश गरीबी से जूझ रहा है। शादी ब्याह में करोड़ उड़ाएंगे, बगल में कोई खाए बिना मरेगा नहीं पूछेंगे। एक आदमी मेरे से बोले, मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। हमने बोला सर वो तो हमेशा से गिनती कर रहे हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासी हो, उसमें बीच में एक हैदराबाद का प्राणी आके कहता हम 15 करोड़ है तो बात